हेलो फ्रेंड, अपन बात कर रहे हैं रेंज ऑफ थर्मामीटर, रेंज ऑफ है थर्मामीटर, रेंज ऑफ थर्मामीटर किसके अंदर? फारेनहाइट के अंदर। किसके अंदर बच्चों? सबसे पहले अपन ने बात की फारेनहाइट के अंदर। यदि फारेनहाइट के अंदर बात कर ली जाए रेंज ऑफ थर्मामीटर के अंदर, 95 डिग्री फारेनहाइट टू 110 डिग्री फारेनहाइट अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या देखने को मिलेगा? 95 डिग्री फारेनहाइट टू 110 डिग्री फारेनहाइट। यदि बात करके चले अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल अनुसार आपको थर्मोमीटर के अंदर जो रेंज होगी वह कहाँ तक होगी? 108 डिग्री फारेनहाइट। कहाँ तक होगी बच्चों? 108 डिग्री फारेनहाइट तक देखने को मिलेगी। बट अपन बात कहाँ कर रहे हैं? थ्योरेटिकल। कहाँ बात कर रहे हैं? थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात कर लीजिए, यदि अपन बात करके चले किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर। किसके अंदर बच्चों? सेल्सियस के अंदर। यदि बात करके चले सेंटीग्रेड के अंदर, यदि बात करके चले तो जो रेंज होगी कितनी होगी बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बात करके चले कितनी होगी बच्चों? अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस, अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी के अनुसार सेंटीग्रेड के अंदर जो थर्मोमीटर की रेंज होगी वह कितनी होगी बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों की दोनों रेंज क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकली राइट। क्या है बच्चों? राइट। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए पार्ट्स ऑफ है थर्मोमीटर। क्या बात करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं तो अपन बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ थर्मोमीटर। यदि बात करके चले बच्चों पार्ट्स ऑफ थर्मोमीटर की, यदि बात कर ली जाए तो सबसे पहले यदि फर्स्ट वन अपन बात करके चले बल्ब, कौन सा बच्चों? बल्ब। एंड सेकंड वन इज द स्टीम। ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ थर्मोमीटर। क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ है थर्मोमीटर। बल्ब एंड स्टीम दोनों के बारे में डीपली जान लेते हैं। बल्ब क्या होगा? बल्ब क्या होल्ड करके रखता है? सेकंड वन यदि बात करके चलेंगे स्टीम, किसकी बच्चों? स्टीम की बात करके चलेंगे तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीपली जानने के लिए बल्ब। बल्ब के अंदर क्या होगा? सबसे पहले यदि बात करके चले बल्ब, बल्ब के अंदर यदि बात कर ली जाए होल्ड द मर्करी। सेकेंड वन यदि बात करके चले जो बल्ब पार्ट होगा वह कैसा होगा? सिल्वर इन कलर। यदि बात करके चले साथ के साथ सिल्वर इन कलर देखने को मिलेगा बच्चों। वह साथ के साथ यदि बात कर ली जाए लॉन्ग होगा बच्चों। वे नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए साइलेंड्रिकल, कैसा होगा? साइलेंड्रिकल होगा बच्चों। अपने बात की पार्ट ऑफ है थर्मोमीटर बल्ब एंड सिम। बल्ब एंड सिम दो पार्ट होते हैं किसके? थर्मोमीटर के बच्चों। फर्स्ट वन इज द बल्ब। बल्ब के अंदर होल्ड द मर्करी क्या करके रखता है? बल्ब होल्ड करके रखता है बच्चों मर्करी को। सेकंड वन सिल्वर इन कलर, कैसे कलर का होगा? सिल्वर कलर का होगा। लॉन्ग होगा वे साइलेंड्रिकल शेप। कैसी होगी? साइलेंड्रिकल शेप। कैसी शेप होगी बच्चों? साइलेंड्रिकल शेप होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट से मिस मत करना। यदि किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। तो अपन ने बात की पार्ट ऑफ है थर्मोमीटर। सेकंड अपन बात कर लेते हैं स्टीम, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? सेकंड वन इज द स्टीम। यदि स्टीम की बात कर ली जाए तो स्टीम के अंदर यदि बात कर ली जाए फर्स्ट वन रीडिंग स्केल, क्या प्रेजेंट होता है? रीडिंग स्केल विल बी प्रेजेंट ऑन द स्टीम
कहां पर बच्चों स्टीम के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, रीडिंग स्केल, क्या देखने को मिलेगा, रीडिंग स्केल। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए सेकंड वन क्या कब देखने को मिलेगी रीडिंग, व्हेन मर्करी कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ हीट, जब मर्करी क्या होगे हीट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी क्या होगा बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी व्हेन मर्करी कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ हीट, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी when when mercury comes in the contact of heat। यदि बच्चों जो मर्करी होगी किसके कॉन्टेक्ट में आती है, हीट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी देखने को मिलेगा। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए रीडिंग स्केल प्रेजेंट होगा कहां पर, कौन से पार्ट के अंदर, स्टीम पार्ट के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर, थर्मोमीटर का जो स्टीम पार्ट होगा उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा रीडिंग स्केल, क्या देखने को मिलेगा बच्चों रीडिंग स्केल। साथ के साथ बल्ब क्या होल्ड करके रखता है मर्करी को, और मर्करी का एक्सपेंशन कब देखने को मिलेगा, जब मर्करी किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, हीट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ मर्करी, एडवांटेज ऑफ मर्करी कौन कौन से एडवांटेजेस होंगे, लाभ होंगे जिसके बच्चों मर्करी की, तो बात कर लेते हैं। इट इज इजली विजुअलाइज, क्या हो जाती है बच्चों, इजली विजुअलाइज हो जाती है, साइन होती है, ब्राइट होती है, कैसी होती है बच्चों, साइन होती है, ब्राइट होती है और इजली विजुअलाइजेशन। और साथ के साथ यदि बात कर ले जाए हीट सेंसिटिव, कैसी है बच्चों, हीट सेंसिटिव। एडवांटेजेस ऑफ मर्करी, एडवांटेजेस ऑफ मर्करी यदि बात करके चले, एडवांटेजेस ऑफ मर्करी की यदि बात कर ली जाए बच्चों तो सबसे पहले यदि बात करके चले फर्स्ट वन क्या देखने को मिलेगा, कौन सा एडवांटेज होगा बच्चों, हीट सेंसिटिव, हीट हीट सेंसिटिव, सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए इट इज ब्राइट साइन so it is easily visualized। यदि बात करके चले बच्चों क्या होता है हीट सेंसिटिव होती है कौन, मर्करी, कौन होती है बच्चों मर्करी, अपन बात करके चल रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मर्करी, फर्स्ट वन हीट सेंसिटिव, सेकंड वन यदि बात कर ली जाए इट इज ब्राइट एंड साइन, ब्राइट एंड साइन होगी सो इट इज इजली विजुअलाइज, क्या होती है बच्चों इसी वजह से क्या होती है इजली विजुअलाइज, क्या होती है इजली विजुअलाइज। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले सेकंड वन डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्करी, मर्करी के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे तो बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्करी, डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्करी यदि बात करके चले बच्चों डिसएडवांटेजेस किसके बच्चों मर्करी के, यदि डिसएडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन इज इफ ए पेशेंट
एक्सीडेंटली स्वेल आउट द मर्करी then NR will be assessed then NR assess which is the early indication of the patient। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज की बात कर रहे हैं, यदि क्या होता है कोई पेशेंट क्या कर जाए एक्सीडेंटली क्या कर जाए स्वेलो कर जाए मर्करी को, किसको बच्चों मर्करी को यदि एक्सीडेंटली स्वेलो कर जाता है तो उसके अंदर देन ए नर्स एसएस एक नर्स क्या एसएस करेगी विल व्हाट इज द या विच इज द अर्ली इंडिकेशन सबसे पहले कौन सी इंडिकेशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर यदि पेशेंट ने क्या कर दिया बच्चों एक्सीडेंटली स्वेलो कर गया तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आंसर क्या जाना चाहिए, मेंटल कंफ्यूजन एंड लर्निंग एंड या बोल सकते मेंटल कंफ्यूजन एंड लर्निंग कंफ्यूजन। नेक्स्ट में यदि बात करके चले बच्चों तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है मेंटल कंफ्यूजन की कंडीशन, उसके अंदर अर्ली इंडिकेट होगी साथ के साथ लर्निंग कंफ्यूजन किसके अंदर यदि कोई पेशेंट क्या कर जाता है एक्सीडेंटली स्वेलो कर जाता है मर्करी को तो उसके अंदर एक नर्स के द्वारा एसेस की जाएगी पहली इंडिकेशन पेशेंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन एंड लर्निंग कंफ्यूजन। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं यदि क्या होता है बच्चों थर्मामीटर ब्रेक डाउन होने से क्या हो गया है मर्करी फॉल डाउन हो गई कहां पर फ्लोर के ऊपर, तो उसको कोलेक्ट करने है क्या करना है बच्चों उसको कोलेक्ट करना है, कोलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड अपन यूज करके चलते हैं तो अपन बात कर लेते हैं if mercury fall down on floor after breakdown of thermometer बच्चों क्वेश्चन क्या है क्या बात कही गई है डिसएडवांटेज के अंदर यदि क्या होता है मर्करी क्या हो गई है फॉल डाउन ऑन फ्लोर किसके ऊपर फर्श के ऊपर क्या हो गई है बिखर गई है क्या मर्करी कब बिखरी है बच्चों आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ थर्मोमीटर किस चीज के ब्रेक डाउन होने से थर्मोमीटर के ब्रेक डाउन होने से क्या देखने को मिला फर्श के ऊपर क्या बिखरी हुई है मर्करी क्या बच्चों मर्करी इफ यदि मर्करी फॉल डाउन ऑन फ्लोर आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ थर्मोमीटर तो क्या करना है बच्चों सबसे पहले collect the mercury with the help of syringe and dropper
एंड ड्रॉपर। यदि बात करके चले बच्चों जिस चीज की कलेक्ट करना है किसको, मरकरी को, किसको कलेक्ट करके चलना है, मरकरी को कलेक्ट करके चलना है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सीरेंज, किसकी हेल्प से बच्चों, सीरेंज की हेल्प से, वह ड्रॉपर की हेल्प से एंड ड्रॉपर। यदि बात कर ली जाए क्या हो स्मॉल पार्टिकल्स में, किसमें बच्चों स्मॉल पार्टिकल्स, इफ इफ मरकरी इफ मरकरी If mercury fall down, if mercury fall down on small particles, यदि क्या देखने को मिले बच्चों स्मॉल पार्टिकल के अंदर, क्या देखने को मिले, ब्रेक डाउन मिले या फॉल डाउन मिले बर्करे ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर तो क्या करना है, इन्फॉर्म द हजामत टीम, कौन सी टीम को बच्चों, हजामत टीम को क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है, इन्फॉर्म द हजामत टीम, देन देन इन्फॉर्म द then inform the hazamat team, hazamat team hazard, यदि बात कर ली जाए हजामत की फुल फॉर्म की कैपिटल लेटर्स में लिख लेते बच्चों, हजामत hazardous, हजामत टीम, हजार्डियस, हजार्डियस मटेरियल, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम। यदि बात करके चले बच्चों कौन किसको इन्फॉर्म करके चलना है, इन्फॉर्म करना है हजामत टीम को, कौन सी टीम को बच्चों, हजामत टीम, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम को क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है कब, जब क्या हुआ मर्करी स्मॉल उसमें पार्टिकल्स में क्या हुई हो, फॉल हुई हो, क्या हुई हो बच्चों, फॉल हुई। यदि बात कर ली जाए हजामत टीम होगी वह कोलेक्ट कैसे करेगी, कोलेक्ट इन सेम वे, कोलेक्शन सेम क्या करेगी बच्चों, कोलेक्शन सेम वे, कोलेक्शन सेम वे। यदि बात करके चले बच्चों आफ्टर कलेक्शन, किसकी बात कर ले जाए, हजामत टीम के द्वारा क्या कर लिया गया है, कलेक्शन कर लिया गया फॉल डाउन है मरकरी का, तो क्या करके चलना, आफ्टर कलेक्शन, आफ्टर कलेक्शन ऑफ मरकरी, आफ्टर कलेक्शन ऑफ मरकरी, आफ्टर कलेक्शन ऑफ मरकरी मैपिंग द फ्लोर, मैपिंग द फ्लोर विद 1% विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन के अंदर, यदि क्या हुआ है, सबसे पहले अपन ने बात की यदि क्या होता है मर्करी फॉल डाउन होती है, क्या होती है मर्करी फॉल डाउन है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ए थर्मामीटर, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ए थर्मामीटर के ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, यदि मर्करी फॉल डाउन हो जाती है फ्लोर के ऊपर तो क्या करके चलेंगे बच्चों, कोलेक्ट द मर्करी, कोलेक्ट द मर्करी विद द हेल्प ऑफ ए सिरिंज एंड ड्रॉपर, किसकी हेल्प से बच्चों, सिरिंज का यूज करके वे ड्रॉपर का यूज करके, सिरिंज का यूज करके वे ड्रॉपर का यूज करके क्या करना है बच्चों, कोलेक्ट करना है मर्करी को, कोलेक्ट करना है मर्करी को। यदि क्या हो मर्करी फॉल डाउन ऑन स्मॉल पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स में यदि मर्करी क्या हुई है फॉल डाउन हुई है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ थर्मामीटर, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ए थर्मामीटर, थर्मामीटर के ब्रेकडाउन होने से क्या हुई मर्करी फॉल डाउन है, और मर्करी कैसे पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में, कैसे पार्टिकल्स में बच्चों, यदि स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होती है ब्रेकडाउन होती है तो उस कंडीशन के अंदर देन इन्फॉर्म द हजामत टीम, कौन सी टीम को, हजामत टीम को क्या कर देना, इन्फॉर्म कर देना। यदि बात कर ली जाए हजामत टीम हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम, कौन सी टीम होगी बच्चों, हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम। यदि बात कर ली जाए क्या करेगी बच्चों, जो हजार्डियस मटेरियल मैनेजमेंट टीम होगी वह भी क्या करेगी, कलेक्शन करेगी मरकरी का सीएनवी में, कैसे बच्चों, कलेक्शन सीएनवी, कलेक्शन
सेमी यदि बात कर ली जाए आफ्टर कोलेक्शन और मरकरी मैपिंग द फ्लोर विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, यह बात आपको हमेशा याद रखने योग्य बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के या स्टार लगा के नोट कर लेना बच्चों। क्या करना है कलेक्शन करने के बाद मरकरी का, क्या करना है बच्चों, मैपिंग करना है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, पोता लगाना है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में यदि बात कर ली जाए पोता लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, पोता लगाना है आफ्टर द फ्लोर विद, या क्लीन करना है, साफ करना है फर्श को विद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, किसकी साथ बच्चों, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करके। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं टाइम पेन एक थर्मामीटर, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, टाइम पेन एक थर्मामीटर जो सेकंड टाइप का थर्मामीटर है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन अपन ने बात की ओरल थर्मामीटर, किसकी बात की बच्चों, ओरल थर्मामीटर की बात की। ओरल थर्मामीटर के पार्ट के बारे में भी अपन अच्छे से जाना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जाना, मरकरी के साथ यह भी बात की मरकरी कहाँ मिलती है, कहाँ कब एक्सपेंशन होती है, बहुत ही अच्छे से जाना। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टाइम पेनिक थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर, सेकंड टाइप ऑफ थर्मामीटर इज द टाइम पेनिक थर्मामीटर, सेकंड वन इज द टाइम पेनिक थर्मामीटर। This type of thermometer will be used to check the temperature from outer auditory canal और ईयर। यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से थर्मोमीटर की, टाइम पेनिक थर्मोमीटर, कौन से थर्मोमीटर की अपन बात कर रहे हैं, टाइम पेनिक थर्मोमीटर की अपन बात करके चल रहे हैं बच्चों। टाइम पेनिक थर्मोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है बच्चों टेम्परेचर को चेक करने के लिए, किसको चेक करने के लिए, टेम्परेचर को चेक करने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम या तो अपन बोल सकते आउटर ऑडिटरी कैनाल या अपन बोल सकते डायरेक्ट ईयर से हुए ऑडिटरी कैनाल से टेम्परेचर टेकन करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, कौन से टाइप के थर्मामीटर का यूज किया जाता है, टाइम पेनिक थर्मामीटर, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए क्विक रीडिंग, जल्दी से जल्दी फास्टली रीडिंग देता है कौन से टेम्परेचर से, टाइम पेनिक थर्मामीटर से क्या होती है बच्चों, प्रोवाइड क्विक रीडिंग within two to three seconds। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, क्विक रीडिंग देखने को मिलेगी, फास्टली रैपिडली क्या देगा, प्रोवाइड क्विक या रैपिडली रीडिंग क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, क्विक या रैपिडली रीडिंग प्रोवाइड करेगा विद इन कितनी सेकंड के अंदर, 2 to 3 seconds, ओनली 2 to 3 seconds के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, टेम्परेचर का पता लग जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर है कितना, यदि बात कर ली जाए इसका यूज
कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी का मतलब मीन क्या होगा, इंटरनल, क्या बोलते हो इंटरनली अपन बोल सकते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर एसेस करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट यदि बात कर ले जाए इतनी जल्दी रीडिंग कैसे प्राप्त की जा सकती है कौन से थर्मामीटर से, टाइम्पेनिक थर्मामीटर से, क्योंकि क्या होगा ब्रेन स्टिमुलाई ब्रेन स्टिम विल बी प्रेजेंट नियर द ऑडिटरी कैनाल। क्या होगा ब्रेन स्टेम प्रेजेंट नियर द ऑडिटरी कैनाल, कौन सी कैनाल के पास है, ऑडिटरी कैनाल के पास क्या देखने को मिलती है बच्चों, ऑडिटरी कैनाल के पास है क्या होगा ब्रेन स्टिम प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे बच्चों ब्रेन स्टिम प्रेजेंट होंगे और इसी वजह से क्विक रीडिंग या मोस्ट रैपिडली क्या होगी रीडिंग प्राप्त होगी 2-3 सेकंड के अंदर। यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो कितना होगा बच्चों सेकेंड वन, यदि बात कर ली जाए क्या प्रेजेंट होंगे फ्यू पैथोजन प्रेजेंट ऑन द साइट इन कंपैरिजन ऑफ अदर साइट की कंपैरिजन में बच्चों क्या देखने को मिलेगा जो फ्यू पैथोजन कुछ पैथोजन क्या होंगे प्रेजेंट होंगे कहां पर ऑन द साइट यदि बात करें जाए ऑडिटरी कैनाल कहां पर है ऑडिटरी कैनाल के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों फ्यू पैथोजन देखने को मिलेंगे, इसी कारण क्या होगी रैपिडली या कभी के रीडिंग प्राप्त होगी। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए 0.6 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मोर देन ओरल रूट। यदि बात करके चले सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों टाइम्पेनिक थर्मामीटर, कौन से थर्मामीटर के टाइम्पेनिक थर्मामीटर, दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर विल बी यूज्ड टू चेक द टेम्परेचर फ्रॉम आउटर ऑडिटरी कैनाल और ईयर, आउटर ऑडिटरी कैनाल व ईयर से टेम्परेचर को चेक करने के लिए कौन से टाइप का थर्मामीटर यूज किया जाता है बच्चों टाइम्पेनिक थर्मामीटर प्रोवाइड यह क्या करेगा बच्चों प्रोवाइड करेगा क्विक रीडिंग विद इन 2-3 सेकंड, सबसे फास्टली रीडिंग प्रोवाइड करेगा ओनली एंड ओनली टू टू थ्री सेकेंड। नेक्स्ट वन ब्रिम स्ट्रीम लाए प्रेजेंट नियर द ऑडिटरी कैनाल, क्या देखने को मिलेगा जो ब्रेन स्टिम होगी वह प्रेजेंट होगी नियर द ऑडिटरी कैनाल, कहां पर बच्चों ऑडिटरी कैनाल के पास में। या नेक्स्ट वन यदि बात कर लेते फ्यू पैथोजन प्रेजेंट ऑन द साइट, क्या मिलेंगे बच्चों फ्यू पैथोजन देखने को मिलेंगे साइट के ऊपर इन कंपैरिजन ऑफ अदर साइट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वन अपन ने बात की टेम्परेचर की, नॉर्मल टेम्परेचर यदि बात कर लीजिए 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। साथ के साथ यदि बात कर लीजिए 0.6 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मोर देन ओरल रूट, कौन से रूट के कंपैरिजन में ओरल रूट के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं लॉसन थर्मामीटर, किसके बारे में बच्चों बात कर लेते हैं लॉसन थर्मामीटर। लोसन
थर्मोमीटर This type of thermometer, this type of thermometer, type of thermometer will be used. For assess the temperature of liquid and solution. किसका बच्चों liquid and solution. यदि बात करके चले बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर टेम्परेचर की बात करके चले वे केल्विन के अंदर लास्ट में अपन बात करेंगे बच्चों केल्विन के अंदर यदि क्या है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट यदि बात कर ली जाए फ्रीज सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट सेकेंड वन यदि बात करके चलें बॉइलिंग पॉइंट यदि बात करके चलें फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर यदि बात कर ली जाए सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर यदि बात कर ली जाए फ्रीजिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तो कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों 273 केल्विन किसके अंदर बच्चों केल्विन के अंदर थर्ड वन यदि अपन बात करके चले केल्विन के अंदर यदि बात कर ली जाए तो केल्विन के अंदर यदि बात करेंगे बॉइलिंग के अंदर 373 केल्विन ये क्या होगा बच्चों अपन बात करें लोसन थर्मोमीटर का यूज किया जाता है एसेस करने के लिए टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉल्यूशन का टेम्परेचर एसेस करने के लिए क्या किया जाता है बच्चे यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है बच्चों लोसन थर्मोमीटर किसका बच्चों लोसन थर्मोमीटर सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट किसकी बात की बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता है यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली जाए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 2012 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लास्ट वन केल्विन के अंदर 273 केल्विन किसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर 373 केल्विन यदि बात कर ली जाए इफ इन अर्थ एसेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर किसका बच्चों टेम्परेचर एसेस कर रही है वाटर का तो उसके अंदर यदि बात कर ली जाए तो नर्स कैसे एसेस करेगी अप्लाई द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एल्बो ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एल्बो एल्बो के डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई करेगी 2 to 3 drops ऑफ वाटर अप्लाई करके एसेस कर सकती है वाटर का टेम्परेचर किसका टेम्परेचर बच्चों वाटर का टेम्परेचर अपन जान लेते हैं if a nurse assess the temperature of
टेम्परेचर ऑफ एस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर then apply 2 to 3 drops then apply 2 to 3 drops on the 2 to 3 drops on the dorsal surface of elbow on the dorsal surface of dorsal surface of elbow यदि बात करके चले बच्चों किसके अंदर यदि एक नर्स यदि एफ ए नर्स यदि कोई नर्स क्या करती है बच्चों एसेस करती है टेम्परेचर ऑफ वाटर किसका टेम्परेचर बच्चों वाटर का टेम्परेचर क्या करती है एसेस करती है टू अप्लाई 2 to 3 drops कहाँ पर अप्लाई करेगी बच्चों 2 to 3 drops अप्लाई ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ एल्बो कहाँ पर बच्चों डॉर्सल सरफेस ऑफ एल्बो के ऊपर अप्लाई करना है 2 to 3 drops क्या करने के लिए एसेस करने के लिए किस चीज को एसेस करने के लिए टेम्परेचर ऑफ वाटर को एसेस करने के लिए नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों यदि क्या करना है पेशेंट के अंदर यदि बात कर ली जाए टेम्परेचर एबनॉर्मलिटी को चेक करना है तो क्या करना है इफ इन ए पेशेंट then apply 2 to 3 drops on the foot of patient and ask the patient for any abnormality किसके लिए बच्चों सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों अप्लाई इन ए पेशेंट एक पेशेंट के अंदर क्या करके चलना है अप्लाई करना है 2 to 3 drops 2 to 3 drops ऑन द फुट ऑफ ए पेशेंट किसके ऊपर बच्चों पेशेंट के फुट के ऊपर 2 to 3 drops क्या करनी है अप्लाई करनी है और क्या करना है एंड आस्क द पेशेंट और पेशेंट से क्या पूछना है बच्चों फॉर एनी एबनॉर्मलिटी किसके लिए पेशेंट से यह पूछना है अप्लाई करने के बाद 2 से 3 drops ऑन द फुट कि उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई कब आफ्टर अप्लाई 2 to 3 drops ऑन द फुट के ऊपर 2 to 3 drops अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं यह अपना कंप्लीट होता है लोशन थर्मोमीटर का यूज है क्यों किया जाता है बच्चों लोशन थर्मोमीटर का यूज अपन करते हैं किस चीज के लिए अपन एसेस करने के लिए वाटर का टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है वाटर का टेम्परेचर बोल सकते हैं लिक्विड का टेम्परेचर बोल सकते हैं या सॉल्यूशन का टेम्परेचर एसेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों लोशन थर्मोमीटर यदि लोशन थर्मोमीटर की बात कर ली जाए लोशन थर्मोमीटर के अंदर अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अलग पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अलग पढ़ा नेक्स्ट वन यदि नर्स क्या करती है टेम्परेचर को एसेस करती है वाटर के तो अप्लाई करेगी 2 to 3 drops अप्लाई करके चलेगी ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एल्बो कहां पर बच्चों डोर्सल सरफेस ऑफ एल्बो नेक्स्ट वन इफ इन ए पेशेंट देन अप्लाई 2 to 3 drops ऑन द फुट ऑफ पेशेंट कहां पर बच्चों ऑन द फुट ऑफ पेशेंट एंड आस्क द पेशेंट फॉर एनी एबनॉर्मलिटी क्या पूछना है बच्चों आस्क करना है पेशेंट से एनी एबनॉर्मलिटी के लिए नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं फोर्थ वन लोशन थर्मोमीटर के बाद अपन बात करने वाले हैं डिजिटल थर्मोमीटर किसकी बात करने वाले हैं बच्चों फोर्थ वन इज द डिजिटल थर्मोमीटर फोर्थ वन इज द
डिजिटल थर्मोमीटर। यदि बात करके चले डिजिटल थर्मोमीटर की, इट इज ऑल्सो नॉन एज इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। यदि बात करके लें सेकेंड, इट इज ऑल्सो नॉन एज पर्सनल थर्मोमीटर। यदि बात करके चले बच्चों, कौन से थर्मोमीटर की अपन बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं डिजिटल थर्मोमीटर। कौन से थर्मोमीटर की? डिजिटल थर्मोमीटर। इसी को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। और इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल थर्मोमीटर। यदि बात कर ली जाए रीडिंग असेसमेंट टाइम ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर। यदि बात करके चले कौन से रीडिंग क्या करनी है, एसेसमेंट करनी है टाइम ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर, किसके अंदर? डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर यदि रीडिंग टाइम की बात कर ली जाए एसेसमेंट की, विद इन वन मिनट। कितने टाइम के अंदर बच्चों? वन मिनट। यह अपने बात की डिजिटल थर्मोमीटर या इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, या अपन बोल सकते पर्सनल थर्मोमीटर, या अपन बोल सकते बच्चों पर्सनल थर्मोमीटर। रीडिंग असेसमेंट को क्या करके चलना है, टाइम कितने टाइम के अंदर असेस होगी डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर? वन मिनट। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों रेक्टल थर्मोमीटर, किसकी बात कर लेते हैं? रेक्टल थर्मोमीटर। नेक्स्ट वन इज द रेक्टल थर्मोमीटर। यदि बात करके चले बच्चों रेक्टल थर्मोमीटर की, तो रेक्टल थर्मोमीटर के अंदर बात कर ली जाए कैसे कलर का होगा? रेड इन कलर। सेकेंड यदि बात कर ली जाए सॉल्ट होगा, कैसा होगा? सॉल्ट। एंड थर्ड वन यदि बात कर ली जाए शेप राउंड इन शेप। शेप में कैसा होगा बच्चों? राउंड होगा। राउंड क्या होगा? शेप में होगा। सॉल्ट होगा साथ के साथ रेड इन कलर, कलर में कैसा होगा? रेड कलर का। कौन सा थर्मोमीटर? रेक्टल थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर बच्चों? रेक्टल थर्मोमीटर। रेड इन कलर, कैसे कलर का बच्चों? रेड कलर का। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्ट होगा। और राउंड इन शेप के अंदर कैसा होगा? राउंड होगा। राउंड इन शेप। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं टाइप या साइट ऑफ ए टेम्परेचर टेकन। टेम्परेचर टेकन करने की कौन कौन सी साइट होंगे, उसके पहले यदि अपन बात कर ले जाए कन्वर्ट द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड
फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, दोनों के बारे में यदि अपन बात करके चलें तो कौन कौन से मेथड होगा जिसे अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो सबसे पहले अपन बात कर ली जाए यदि कन्वर्ट द टेम्परेचर कन्वर्ट द टेम्परेचर यदि बात कर ली जाए फ़ारेनहाइट के अंदर अपन को क्या पता है भाई टेम्परेचर का पता, और किसके अंदर सेंटीग्रेड के अंदर यदि कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9। यदि बात कर ली जाए फ़ारेनहाइट क्या होगा बच्चों, 9/5 इंटू सी प्लस 32। यह क्या कौन सा फॉर्मूला होगा फ़ारेनहाइट के अंदर, यह कौन सा होगा बच्चों सेल्सियस के अंदर। यदि बात कर ले जाए अपन वन वन एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सबसे पहले यदि बात करके चले सेंटीग्रेड के अंदर यदि टेम्परेचर कितना होगा 98.6